कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे रहेंगे। आज अपन जो है तो अपने अकरम भाई की दुकान पे आए हुए, जिसका नाम जो है तो के ब्रदर है। और यहाँ पे अपने अकरम भाई अपने लिए कुछ टाइम निकाले। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारी एक्सेसरीज है, डिस्क प्लेट है, ब्रेम्बो का कैलिवर है, और छोटे छोटे किचन से हैंडल बार और ब्रेम्बो किट्स है, क्विक टोटल है लॉक वाला। तो अभी जो है तो अकरम भाई अपने को बाकी सब डिटेल्स बताएंगे। यहाँ पे अपने अकरम भाई है। भाई ये कैलिवर है, डिस्क ब्रेक के लिए यूज़ होता है। हर बाइक को जो जिसको डिस्क ब्रेक आता है उसको सबको ये कनेक्ट हो जाएगा। ये स्पेशली जो मॉडिफाई करते हैं उसके लिए अपन ने मंगाए हुए है। ये देखिए तो ये अभी कौन सी गाड़ी में बैठेंगे अकरम भाई? ये स्पेशली RX सीरीज को, NS 220, RX 100, मतलब यहाँ की RX 100 135, उसके बाद में जो अपनी शाइन वगैरह जो रहती है हाँ तो उसमें बैठ जाएगा। जिसमें डिस्क ब्रेक आता है उसको आराम बिठा सकते हैं। अच्छा, तो ये अपना ब्रेम्बो का है। ब्रेम्बो तो ये चेक कर सकते हो फ्रेंड्स। अभी इसकी क्वालिटी भी देख लो आप नज़दीक से और बता डालता हूँ उसको क्वालिटी। तो ये ब्रेम्बो का है, इसको डिस्क ब्रेक का कैलिवर बोलते हैं। बाकी इसका रेट क्या है अकरम भाई? ये 3000 रुपये है। अपने आसिफ भाई के सब्सक्राइबर है तो उसके अंदर और स्पेशली डिस्काउंट हो जाएगा। जैसे कि अकरम भाई ने बताया इसका रेट जो है तो 3000 रुपये है। अगर अपना नाम बताए या अपने चैनल का भी नाम बताए तो इसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो प्लस आपको ये भी फ़ायदा है भाई, तो जल्दी से फ़ायदा उठा लो। बाकी उसके बाद ये डिस्क प्लेट आई है, स्टार डिस्क प्लेट बोलते हैं इसे मॉडिफाई के लिए। स्पेशली ये स्पेशली RX किंग के लिए यूज़ होती है। और अभी जो अभी यहाँ मॉडिफाई हो रहे हैं RX सीरीज, NS, KLR, तो उसके लिए ये फिट हो जाएंगे आराम से। ये देखो जैसे कि फ्रेंड्स अभी ये डिस्क की साइज़ आप देख सकते हो, ये कुछ 3 mm की साइज है। जैसे कि ये अभी डिस्क की साइज़ आप देख सकते हो। ये अभी स्पेशली जो है तो अभी अपने इंडिया में, अपने औरंगाबाद महाराष्ट्र में जो है तो ये अभी फ़िलहाल में नहीं चलता है। अभी सबसे पहले ये केरला में स्टार्ट हुआ था और अभी अपने महाराष्ट्र में औरंगाबाद में जो है तो ये अकरम भाई ने सबसे पहले ये क्वालिटी लेके आए हुए, ये मटेरियल लेके आए हुए। तो ये साइज़ चेक करो, और अगर किसी को भी यामा RX 100 पे लगाना है तो लगा सकते। उसके अलावा अगर आपको NS वगैरह पे लगाना है तो भी लगा सकते इसको। ये ब्रेम्बो का जो सिंगल सिलेंडर आता है डिस्क ब्रेक के लिए यूज़ होता है, स्पेशली फॉर डिस्क ब्रेक बाइक ओनली। ये देखिए ये ब्रेम्बो की किट आती है। तो फ्रेंड्स ये जो है तो ब्रेम्बो का अपना सिंगल सिलेंडर वाला है। अगर इसमें आपको और लेना है तो ये ड्यूल सिलेंडर का भी आता है, जिसके अंदर क्लच भी आपको हाइड्रोलिक मिल जाता है। ये देख सकते हो आप कि ये मेरी खुद की गाड़ी में लगाया हुआ है। मैं पर्सनली ओपिनियन देता हूँ इसका कि इसका बहुत अच्छा यूज़ है और इसमें ब्रेकिंग वगैरह भी बहुत अच्छे से कंट्रोलिंग मिलती है अपने को। बाकी ये वाला एक देख सकते हो कि यहाँ पे एक क्लच वाला भी है, हाइड्रोलिक में यूज़ होता है ये डबल वाला जो है। तो इसके लिए स्पेशली क्लच में जिसको हार्ड होती है तो ये आसानी से यूज़ कर सकते हैं क्लच के लिए। अगर आप लोग कभी ये तीनों चीज़ अगर साथ में बाय करते हो ये किट बना के, तो इसमें आपको अच्छा खासा डिस्काउंट अकरम भाई दे सकते हैं और स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा भाई आपको। और उसके बाद ये अपन डिस्क का पाइप आता है, डिस्क ब्रेक के लिए पाइप यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे कलर्स है, ब्लू, ग्रीन, रेड, बहुत सारे कलर। ये अपना स्टील ब्लेडेड पाइप है, स्टील ब्लेडेड पाइप जो मेरी खुद की गाड़ी में लगे हुआ है। तो ज़्यादातर तो इसका आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसका यूज़ क्या होता है, सिर्फ ये भी ब्रेकिंग अच्छा करने के लिए ही रहता है बस। बाकी अपने पास में जो है, हाँ भाई ये विंग्स मिरर आए हुए स्टील के, अभी LED के अंदर आए हुआ है ये। अभी CVR V3 V2 वर्जन सब MT और RC 300 को सबको यूज़ होता है। ये देखिए इसके फीचर्स है, ये रोटेट होता है। यासिफ भी आगे बताते हैं। जैसे कि अभी अकरम भाई ने अपने अभी मिरर के बारे में बताए हुए, तो मैं इसकी जो है तो खासियत है अपना इसकी जो है तो अपनी खासियत बता डालता हूँ। ये विंग्स मिरर आते हैं, इसे अगर अपन ने यहाँ पे सब फोल्ड भी कर दिए तो मिरर बन जाता है। अगर ऐसा कर दिए तो एरोडायनेमिक के लिए भी जो है तो बहुत अच्छा यूज़ होता है। साथों साथ इसके इसमें LED आता है, इसको आप इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हो। तो इसका रेट क्या जाएगा अकरम भाई अपने को? ये 1550 रुपये का है, अपना डिस्काउंट स्पेशल आसिफ भाई के सब्सक्राइबर को हो जाएगा। और
इसके बाद ये कार्बन मिरर आया हुआ है एलईडी में, आगे से ये मिरर एलईडी है और इसके अंदर मिरर एलईडी के अंदर भी आता हो आए, ये रेगुलर आता है, ये सब फेयरिंग वाली बाइक को लगता है। जैसे कि अक्रम भाई ने अभी इसके बारे में बताए हुए, तो इसे अपना पीछे भी जो है तो एलईडी आएगा, सामने मिरर को भी आपने एलईडी आ जाएगा, और ये अपने यूनिवर्सल है, ये कॉमन है, ये आपके CBR में, RC में और जिक्सर वगैरह हर एक गाड़ी में बैठ जाता है, R15 में भी, स्पेशल R15। बाकी इसके बाद में जो है तो ये कुछ हैंड ग्रिप्स है, ये हैंड ग्रिप्स भी अच्छी क्वालिटी में देख सकते हो आप लोग, हैंड ग्रिप्स में भी दो तीन वेराइटी है अपने अक्रम भाई के पास में। ये डोमिनो के है, ये डोमिनो के है, इसमें कलर आ जाएगा अपने पास में। और बहुत से लोगों की ख्वाहिश रहती है अपने स्प्लेंडर वगैरह में 3-piece हैंडल बिठाना है, तो ये स्प्लेंडर वगैरह के लिए 3-piece हैंडल, स्प्लेंडर हो गई, अपना करिश्मा आर हो गई, और कौन से डिलक्स वगैरह बहुत से गाड़ियों में बढ़ जाते हैं, तो 3-piece हैंडल भी अपने को यहाँ पे मिल जाएगा। इसका रेट तो अभी बताऊँगा नहीं मैं, अक्रम भाई के पास में आ जाना, अक्रम भाई को अच्छे से रेट दे डालेंगे। अभी जो है तो आगे बहुत सारी एक्सेसरीज है यहाँ पे, जो रबर इंडिकेटर बोलते हैं, रबर इंडिकेटर भी मिल जाते हैं, ये पूरे रबर क्वालिटी आती है फ्लेक्सिबल में, और हैंडल रॉड हैंडल बार बोलते हैं जिसे। अभी अपना जो फोगलैम वगैरह जो अपन बता देंगे, फोगलैम भी बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी में अक्रम भाई के पास में, ये अजहर का जो है फोगलैम मिलेगा अपने को। तो लाइट्स के आपको फोकस बता डालता हूँ मैं ओपन करके। तो फाइनली जैसे फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बताया था क्या, अक्रम भाई के पास में बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के फोगलैम्स आते हैं, इसमें हाई क्वालिटी भी है, लो क्वालिटी भी है। अभी जो है तो अपने अक्रम भाई इसके बारे में बताएंगे और इसका जो ब्राइटनेस है वो भी एक बार बताएंगे। फिलहाल में अपना जो ये दुकान का जो ये शॉप का जो लाइट है वो अपन ऑफ कर देंगे लाइट, फिर आपको फोकस बता देंगे इसका। देखो स्टार्टिंग मॉडल यहाँ से स्टार्ट होता है, ये रेगुलर LED आती है, ये एक LED है, अभी ये वाइट एंड येलो में आया हुआ है स्टार्टिंग मॉडल। इसके अंदर वाइट लाइट भी है एंड येलो लाइट भी है भैया, देख सकते हैं। तो ये लो क्वालिटी में स्टार्टिंग मॉडल में वाइट एंड येलो में आया हुआ है। जैसे कि फ्रेंड्स अभी अक्रम भाई ने बताए हुए कि इसमें ड्यूल टोन वाला लाइट आता है, इसमें एक वाइट कलर का है, एक येलो कलर का फोकस है, उसके अंदर हाई रेंज में ये है वाइट एंड येलो। अभी जो आपने मॉडल देखे है देखो भाई, मैं दूसरा ये वाइट है और ये येलो है, इसके अंदर कूलिंग सिस्टम दिया हुआ है कि लाइट को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और उसकी कैपेसिटर किट रहेगी है, ये हाई रेंज के अंदर ही है। ये क्रिया वाला लाइट आया है, एक 24 LED, इसका भी ब्राइटनेस फुल है। एकदम हाई पावर में आता है ये भी, 24 LED आती है, इसको देख सकते हैं आप कर्व शेव है पीछे से पूरा। तो जैसे कि फ्रेंड्स ये 24 LED बार वाला है, तो इसका रेट ये 500 rupees सेट है भाई यार। बाकी अभी जो है तो मैं पूरे फोगलैम्स के रेट नहीं बताता हूँ, अगर जिस किसी को भी लेना है तो अपने अक्रम भाई के पास में आ जाना, अक्रम भाई से अच्छे से। और ये भी एक है हाई रेंज का LED, और एक ये भी हाई क्वालिटी हाई रेंज और हैवी मटेरियल, जिसे बोलते हैं ना कि यार अगर ऑफ रोडिंग को जाना है अपने को, लद्दाख वगैरह जाना है, तो भाई ये वाली फोगलैम लगा दो। मैं बोलता हूँ कि ये फोगलैम के बाद में आपको हेडलाइट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जैसे फोगलैम की क्वालिटी देख लीजिए। अभी इसको जो है तो अक्रम भाई अपने चालू करके ही बता देंगे। ये चेक करो फोकस फ्रेंड्स, ये वाइट। और यहाँ पे हमारे तौफिक भाई को फोकस में लाते हुए भाई ये देखो एग्जॉस्ट जो है तो ये 100cc के लिए यूज होता है, ये रेगुलर में 100cc पैशन डिलक्स HF डिलक्स वगैरह को ये चलेगा, डीओ एक्टिवा मोपेट में के एक्सेस, और ये हाई रेंज के अंदर है, ये एक्रोपोविक का आता है भाई। इसके अंदर तीन कलर आते हैं, एक रैम्बो सिल्वर और ब्लैक आता है,
ये अपन 150 cc 250 cc के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये ऑस्टिन का जो साइलेंसर है ये हाई रेंज के अंदर आता है, ये 600 मैनेली 800 और निंजा 600 300, ये सब बाइक को चलता है भाई। तो जैसे कि अभी अपने अकरम भाई ने बताया तो ये एस्टन का जो एग्जॉज है तो ये अपना कावासाकी बेलिनी वगैरह में सब तरफ सब इसमें चल जाता है। ये ओरिजिनल वाला है और इसके साथ में आपको स्टिकर भी मिल जाएगा। बाकी ये एग्रोपावी का अपन अपने NS 200 में या 250 cc या तो 390 cc जो भी है उसके अंदर अपन लगा सकते हैं। और अगर इसमें भी और कोई अलग वेराइटी चाहिए, जैसे कि अभी मार्केट में बहुत सारी गाड़ियों को ड्यूक 390 वगैरह को जो है तो एग्रोपाविक का जो चल रहा है अपना R1M का, तो वो भी अपने भाई अपने अवेलेबल करा देते हैं, लेकिन वो ऑर्डर करके मंगाना पड़ता है। अभी ये सब साइलेंसर अभी अपने पास अवेलेबल मिल जाएंगे और बहुत सारे हैं जो अंदर रखे हुए हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, अभी अकरम भाई के पास में जितने भी एक्सेसरीज था, ज़रूरत की चीज़ें मैंने आपको बता दिया, और उसके साथों साथ अभी आपको कुछ एक्सेसरीज नहीं बताया, जैसे कि टायर अगर है और ये 150 का है, ये बॉटल होल्डर, बाकी इंडिकेटर में बहुत सारी वेराइटी है अकरम भाई के पास में, अलग अलग डिज़ाइन में है, अलग अलग पैटर्न में है, शॉर्ट इंडिकेटर है, लॉन्ग इंडिकेटर है, बाकी लीवर प्रोटेक्टर भी है, लीवर प्रोटेक्टर में भी क्वालिटी है खोरी के यहाँ पे, बाकी वहाँ पर ऊपर भी है। तो जिस किसी को भी एक्सेसरी लेना है तो अकरम भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अकरम भाई का, और हुआ तो अकरम भाई का व्हाट्सअप नंबर भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो जिस किसी को भी वीडियो अगर मेरा पसंद आया होगा तो एक वीडियो पे लाइक कर देना और अकरम भाई के लिए ज़रूर एक कमेंट कर लेना। बाकी हमारे तौफिक भाई भी है यहाँ पर।